खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा हुआ आप लोग सीनियर लोग मौजूद हैं तो इसका बड़ा फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ देर पहले आपने सुना और अभी हमने आपको वहां के वातावरण, वहां के माहौल और वहां के एम्बियंस के साथ कुछ देर छोड़ा ताकि आप वहां वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, जिस तरीके से हौसला अफजाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो आप खुद सुन सके। लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के बीच मौजूद है और कहा कि आपसे देश ने बहुत कुछ सीखा है, आप इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और ये बधाई दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए आप। As we can see, Honorable Prime Minister, greeting and meeting scientists, engineers, technicians, everyone. चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोशिश ये कर रहे हैं कि इसरो के सेंटर में मौजूद किसी भी शख्स से बगैर मिले वो बाहर ना जाएं। सब से मिल रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं और ये कहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आपसे प्रेरणा के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं, आपसे तो बहुत कुछ सीखा जाता है, आपसे तो बहुत कुछ ये देश सीखता है। ये देखिए, हर एक शख्स से हाथ मिलाकर मुस्कुराकर थैंक यू कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वैज्ञानिक भी देखिए, इंजीनियर्स भी देखिए, वहां पर जो टेक्नीशियंस हैं उनको देखिए आप कितना खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हैं। चेहरे पर वो जो मायूसी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि ये तमाम साइंटिस्ट जो वहां पर मौजूद है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि विज्ञान में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयास होता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो सेंटर से निकल चुके हैं। एक बार फिर से जाते जाते उन तमाम सीनियर से मुलाकात कर देना चाहते हैं। उन्होंने तो इनफैक्ट ये बात कही भी, जब भाषण खत्म किया तो वहां पर जितने भी सीनियर्स डिग्निटरीज मौजूद थे उनकी तरफ चलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप अनुभवी लोगों के होने से बहुत फायदा होता है। तो रात में वैज्ञानिकों के बीच थे, आज सुबह 8 बजे वैज्ञानिकों के बीच आए और फिर कहा कि ज्ञान का सबसे बड़ा शिक्षक तो विज्ञान है। मैं चंद्रयान से जुड़ी सूचना लगातार लेता रहा,
ये क्षणिक बाधा जो है वो हमको रोक नहीं सकती है। चांद पर पानी के बारे में चंद्रयान ने बताया है और आगे भी बहुत कुछ बताने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का उत्साह भी है, इस बात का यकीन भी है। उन्होंने वहां पर मौजूद हर एक वैज्ञानिक के चेहरे पर मुस्कान ला दी, हर एक वैज्ञानिक के मन में दृढ़ विश्वास जगाने की कोशिश की कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान की मुट्ठी में ये चांद जरूर आएगा। तो ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। और फिर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नहीं थके कि प्रयासरत हमें रहना है, हमें रुक नहीं जाना है, हमें थम नहीं जाना है। आप लोग मक्खन पर लकीर नहीं खींचते हैं, आप लोग पत्थर पर लकीर खींचते हैं। और फिर जोरदार तालियां वहां पर बजने लगी। फिर जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं यहां आप लोगों के दर्शन करने आया हूं, सुबह सवेरे मैं आपसे प्रेरणा लेने आया हूं, तो दोबारा जोरदार तालियां बजी। जब कहा गया कि ज्ञान का सबसे बड़ा शिक्षक विज्ञान है, तब भी जोरदार तालियां बजी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वी आर फुली कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू स्पेस प्रोग्राम, बेस्ट इज येट टू कम, यानी सबसे शानदार लम्हा अभी आना बाकी है, खासकर हमारे स्पेस प्रोग्राम को लेकर। आज हर एक भारतीय गर्वान्वित है, फख्र कर रहा है इसरो के एक एक वैज्ञानिक पर, एक एक टेक्नीशियन पर, एक एक इंजीनियर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की, गर्व से जो देश इस वक्त झूम रहा है और अपने वैज्ञानिकों पर फख्र कर रहा है, उस बारे में भी तमाम वैज्ञानिकों को सूचित किया, उनको बताया कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका योगदान कितना अहम है हिंदुस्तान की इमेज के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। और ये देखिए, आप अभी भी मिलने का सिलसिला चल रहा है।